इतनी जल्दी मुलाकात हो जाएगी ऐसा सोचा ना था लेकिन ऐसा हो गया है और यह बहुत ही तमाशे चल रहे हैं यार अपनी बारी में मतलब नया गेंद भी कोई स्पेशल दे देते दे अपने बॉलर्स को यार अगर वर्ल्ड कप चल रहा है इंडिया में इसका यह मतलब है कि आप कोई अपना कोई स्पेशल वाला गेम खेल के गेंद जो है उसमें कुछ डिवाइस मैच डाल के वो दे देते दे हो दे शम्मी को और आज तो वो मेरे ख्याल में वो शमी को समझ नहीं आई वो पहले दो विकट उसने लिए फिर वो कोई गेंद कुछ चेंज हो गया जडेजा के हाथ चढ़ गया फिर जडेजा ने वो पांच विकटें जडेजा ले गया तो पिच में भी मुझे लगता है है कोई गड़बड़ करते हैं हैं उसी पे रंस कर जाते खुद ठीक ठाक और जब दूसरी टीम आती है, पिछले मैच में श्रीलंका के खिलाफ भी साढ़े तीन सौ बोर्ड पे डाल के उनको पचास पचपन पे चलता कर दिया यहां पे भी सवा तीन सौ बोर्ड पे डाल के और जैसे जैसी मेखन में ये जाते हैं ना ये इनिंग्स की ब्रेक होती है तो कुछ ना कुछ उसके ऊपर कोई जंतर मंतर कोई पढ़ते हैं कुछ फूक शुक मारते हैं और 83 पे निपट गया साउथ अफ्रीका आज वो जाहिल लोग जो इस तरह की बातें करते हैं वो आज कुछ नई बात क्या लेके आएंगे यहाँ तो कोई टीम भी इंडिया के सामने टिकने को कहा कि जाहिल लोग जो 100 कोली पे वो भी बात तो ने दिया उन को। वो बात भी, आप ने, आप जो भी एक शब्द नहीं का विराट कोहली को, थी, थी, था, था। को, तो को बीट नहीं कर पाया साउथ अफ्रीका तिरासी पे आउट हो गया वो एक एक पे नॉट आउट था गया भी वो नॉट आउट है वो तो आउट भी नहीं हुआ एक सौ ये तिरासी पे आउट उसी पिच पे उसी मैदान में वहीं पे ये तिरासी पे आउट हो गए ओवर गया तो आप मुझे देखें बताया गौतम तो तो गंभीर का बाकी तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता था तो हम अपना मतलब देखे हिसाब किताब तो आई डोंट नो भेजते हैं और मैं सुनता भी हूं ना आई डोंट नो को किसने क्या बोला कैसा बोला अपनी उस अंदाज में लेकिन आप पूरा वीडियो देखें हमने आपसे बोला यार जिस तरह का पिच का बिहेवियर है बड़ा जरूरी था कि एक बंदा एंड तक जाता और बहुत ही बेहतरीन और शानदार इनिंग वो खेल के गया और अभी आप देखें उसके नॉट आउट है और ये ओवरों में तरासी करके सारे चलते बने बहुत अच्छे जनाब रिव्यूज लिए अंपायर नहीं दे रहा था आउट अंपार, वो अंपायर ने, नादे ने नादे बोला था कि भाईजान आपके पहली इतना आप तगड़ा खेल रहे हैं तो दो चार आउट ना भी लें तो खैर है लेकिन इन्होंने रिव्यू में गए और रिव्यू में जाके डूसन का विकेट भी निकाला रिव्यू में बहुत अच्छे रिव्यूज लिए जडेजा का और शमी का रिव्यूज में जा जाके इन्होंने बहुत बेहतरीन आउट भी किए और एट द मोमेंट यार दिस इज इंडिया वर्ल्ड कप और पिछले दिनों ही एक कोई दोस्त पूछ रहा था जी आप तीनों में से कौन सी टीम चाहेंगे कि इंडिया खेले सेमीफाइनल में तो मैंने उनसे बोला कि भाई साउथ अफ्रीका अभी पिछले साल ही इंडिया की मेन टीम ऑस्ट्रेलिया में थी पीछे बच्चा पार्टी थी और बचा पार्टी ने इनको दो एक से हरा दिया था फुल साउथ अफ्रीका को तो साउथ अफ्रीका की जो टीम वो इंडिया के सामने नहीं टिकती मेरे राय है कि उन दोनों की निस्बत ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से साउथ अफ्रीका आई साउथ अफ्रीका बट एनी कोई मुकाबला नहीं है ऐसा किसी एंगल से नहीं लग रहा मोहसन भाई कि ये दो टॉप टीमें जो कि एट द मोमेंट टॉप टेबल पे टॉप पे हैं कि दोनों टॉप वाली खेल रही हैं कोई मुआजना नहीं है बिल्कुल ऐसी कर रहा है इंडिया। जो कि आप एक आ, फेरी टेल में ही सुनते यार ऐसा, -ऐसा पागल हो गई दिमागी पे। कहते हैं गेंद चेंज हो जाती है कुछ हो जाता है इस तरह की बातें करने लग गए इससे पहले के मौसम भाई बोलना शुरू करें दु बी नाइस मोर देन थाउजेंड पीपल आर विद अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे दा वो भी नाइस और आज तो देखें ये स्पेशल वाला भाई जब तो ना जरा थोड़ा सा इधर करके किधर गया ये सीधा ये स्पेशल शर्ट्स बनवाई हैं विराट कोहली के उस पे बर्थडे पे तो आज उसने सो भी किया लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता ही बगैर के हुए जी भाईजान ये क्या हो गया जी ये, ये देखते देखते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम गुड इवनिंग सत श्री अकाल नमस्कार काल भैरव फेर गया इडन गार्डन की उस पिच पे जहां गौतम गंभीर द सुपर ब्रेन ऑफ इंडिया क्रिकेट एंड द सुपर चैनल इट्स अ सेल्फिश कॉल इनिंग्स माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स प्लीज 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 स्टैंड अप एंड एक दफा गेट वेल सून और फ्लावर्स भेजिए जो जो जेनी बीमार है जो जहनी तौर पे फर्ग है क्रिकेटिंग इलिटरेट है क्रिकेट खेल के भी जिन्हें क्रिकेट की समझ नहीं आती मिड इनिंग में चैलेंज किया था कि अगर ये 200 करेगा साउथ अफ्रीका तो मैं भी यहीं बैठा हुआ हूं मैं यहीं बैठा हुआ हूं ये 200 करके दिखाए ये है विराट कोहली ये है जुदेजा चल नहीं रहा ना बॉलिंग हो रही है ना बैटिंग हो रही है रिजवान हैदर साहब तैंतीस रन पांच आधे आउट कर दी रिजवान हैदर साहब वो क्लासन वो डूसन वो महाराज वो ऊपर से किलर और पता नहीं केडा केडा भाई हजूर जो कह रहे थे डर तो लग रहा है थोड़ा सा बड़ी खौफनाक क्रिकेट खेल रहा है बेटा अबू जान के सामने जब बेटा जान हाजिर होते हैं तो फिर उनका यही हाल होता है एक एक विराट कोहली ने 18 रन से पूरी साउथ अफ्रीका को हरा दिया जो वह मिलके आपकी आधी टीम आउट की मिलके आधी टीम आउट की 100 के करीब करीब रन से दे के एक एक बॉलर ने वो तीन सौ किया इंडिया ने पूरी टीम 83 -टी थ्री सताइस एक ओवर कुलदीप दो शामी दो पांच और ये है पूरी दुनिया की की क्रिकेट की सारी टीमें आपके सामने आ चुकी हैं और इंडिया था लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे एशिया कप से पहले हमारी बॉलिंग थर्ड क्लास हमारे इंजेड प्लेयर है फारेग है आईपीएल के शेर है घर में ढेर है बटेर है मुर्गामिया है चूजे हैं ये तुम्हारे बाप है देखो क्या कर दिया आज इन्होंने क्या नंगा कर दिया साउथ अफ्रीका की माइटिंग बैठी लाइन आपको के मर मर के दो प्लेयर मेरा ख्याल है डबल फिगर में दो प्लेयर गए होंगे या तीन चले गए होंगे ये बैटिंग है ये क्रिकेट खेल रहे हैं अभी तो बुमराह ने ओवर ही नहीं किए शामी ने ओवर ही नहीं किए सिराज ने ओवर ही नहीं किए अकेला जादू लगा रहा टकडक टकड़क 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 और कटलस की तरह तुम्हें काटता चला गया ऐसे जैसे बारिश होती है ऐसे तुम्हारी विकटे वर फैलिंग लाइक नाइन पेंस ये आप क्रिकेट खेल रहे हैं इस साउथ अफ्रीका से आप डरा रहे हैं आपको बार बार कह रहा हूं टचवुड इस इंडियन टीम को इस मूड में इस फॉर्म में ये बीस नहीं है ये बीस से भी कोई आगे का मोड है इसमें इंडिया को इंडिया ही सकता किसी का बाप नहीं है। आप ऐसा करें वर्ल्ड इलेवन इकट्ठी करें और इसी इंडिया के खिलाफ उतार दे अगर ये वर्ल्ड लेवल भी इंडिया के सामने टिक जाए सबसे हाँ जी। जी, नीदरलैंड वाला फलूक था जी, माना पाकिस्तान के इन्होंने दे दी अब क्या कुछ और दे दिया है क्या आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे थे यहाँ बैठ के या कोई लीग पे डिस्कशन हो रही थी रिजवान साहब क्या हो रहा था यहाँ क्या हुआ ये जो बड़े बड़े सूरमा थी इस बार खान एनालिसिस कर रहे थे सर भी तुम्हारे बात की नहीं समझ आई क्या थी भाई चालीस तो रोहित शर्मा के कोई भी कर लेता ये भी कर लेते ये बाकी कौन कर ये पड़े भाई साहब कोहली एक साउथ अफ्रीका तिरासी सो, सो कोहली प्लेट स्लो <laughs> नहीं लेजेंड द वन एंड ओनली अपना अवार्ड दे देता रॉबिन हुड है तो भाई ये ले रॉबिन हुड साहब साठ दो सात है अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप अपने साथ जुल्म करेंगे क्योंकि हम तो अपने एनालिसिस करेंगे मैच से पहले मैच से पहले ये लेकर आएंगे मैच से पहले दिखाएंगे कोई बड़बोलियां नहीं होंगी कोई ड्रामेबाजिया नहीं होंगी कोई फुतुजम नहीं होगा कोई बकवास नहीं होगी ड्रैग फ्रॉम द हार्ट टू द हार्ट होगी बिल्कुल जी अल्लाह सिक्सटी थाउजेंड फ्रेंड्स सबसे टेबल टॉपर टीम को इंडिया ने उल्टा लटका के डबोधम ऐसे मारी मुकाबला कोई मुकाबला नजर नहीं आया yeah, एक, ये कितने रन से रहा है इंग्लैंड को कितने रन से रहा था दो सौ उनतीस रन से इंग्लैंड को नहीं रहा दो सौ तीस से दो सौ उनतीस से एक सौ नब्बे से किसकोर आया न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड ठीक है आज दो रन तैतालीस किसने नंगा किया बिल्कुल जी बहुत ही वन साइडेड मैच इंडिया और लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि जी इंडिया के खिलाफ कौन सी टीम आ जाए सेमीफाइनल में तो आपसे हम पहले भी कह चुके हैं कि कोई भी आज कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और ये दूसरी टीमों के लिए नाइटमेयर होगा कि यार आगे सेमीफाइनल में मुकाबला इंडिया से ना ही आए तो अच्छा है बेहतर है कि उनको बचते बचाते अगर हमने आगे जाना तो निकल जाए तो इंडिया अब एक ड्रौने ख्वाब की तरह नाइटवेयर की तरह दिमाग में आया हुआ कि भाई अब इनसे कोई सामना ना हो जाए लेकिन फिर भी आप बजिद थे तो मैंने आपसे कहा कि जी साउथ अफ्रीका अगर इंडिया के सामने आएगा तो आप समझें कि वो बिल्कुल वैसा मुकाबला आपको देखने को नहीं मिलेगा जैसा आप देख रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की निस्बत वो हल्की क्रिकेट खेलेंगे अगेंस्ट इंडिया तो आपके सामने ही है ऑस्ट्रेलिया भी हारा है लेकिन मैच में फाइट किया उन्होंने न्यूजीलैंड भी हारा है लेकिन उन्होंने भी इंडिया से फाइट किया है लेकिन इन्होंने क्या किया इन्होंने ये किया जो आज किया रन पे ऑल आउट तो बात साबित हो गई बात साबित हो गई कि भाई अगर उन तीनों में से अगर ये आएगी तो यह हल्की है बाकी टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई भी टीम आजे इंडिया जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है और अभी फिर वह पॉइंट प्रूव हो गया जो हम

99 अगेंस्ट इंग्लैंड फिर 380 समथिंग अगेंस्ट बांग्लादेश एंड 300 प्लस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 357 भी किया किसी के खिलाफ तो हर टीम के खिलाफ इतने इतने रन इतने -इतने तो वो आज क्लू लेस है आपके सामने कोई एक बंदा भी उनका बीस क्रॉस नहीं किया और पूरी टीम तिरासी पे जाके आउट हो गई है पूरी टीम तिरासी पे आउट हो गई है और ये हाल है तो अब आप बताएं ये टीम इंडिया की तारीफ बनती है कि नहीं बनती लोग कहते हैं जी आप मक्खन लगा देते हैं आप ऐसी खेलना चाहिए था शामी जो है ना वो ऐसे ही है पांच पांच बॉलर होना चाहिए और आठवें नंबर पे बैटिंग चाहिए हाँ ये ये जो मेंटालिटी थी चार ओवरों में दो विकटे लिया आज उसने चाहिए ओवर भी चार ही किए हैं उसने चार ओवर किए हैं अगर चार और कर देता यू नेवर नो चार ओवर अठारह रन दो विकटे और शमी सोलह विकेट ले गया चार मैचों चार मैचों में वर्ल्ड कप में सोलह विकेट चार इनिंग में, में। सोलह विकेट भी ओवर रहते थे अगर और करता तो क्या करता, की है? भी उसने निकाली और करता तो क्या करता है दोस्तों आप लोग जो है वो साउथ अफ्रीका से घबराए हुए थे लेकिन साउथ अफ्रीका भी गया आप पता है नीदरलैंड से एक जरूरी है सनम टाइटल जीतने के लिए भाईजन तोबा तोबा मैं आपको फिर कहता हूं अल्लाह से डर के इस जो आपकी टीम का बरहाल है ये ये बगड़ो को साइड पे करे, इनको बैन करे, ये टीम इंडिया का भाई गवास्कर की सुने वो क्या कह कहें और सुने विराट कोहली मैन ऑफ द मैच मैन ऑफ द मैच विराट कोहली को दिया उनतीस रन भी है पांच विकटे भी है चितेजा को क्यों नहीं दिया ये पागल है जिन्होंने दिया भाई उस सौ का अपना एक इंपेक्ट है वो सौ ना आता तो ये पांच विकटे भी ना आती सुना क्या कह रहा है जो मुकाबला कर, कर।, कर, like कर. कर, so. कर रहे हैं तेंडुलकर कहता है तेंडुलकर वॉज माई बेस्ट एंड विल रिमेन सो ये कह रहा है विराट कोहली विराट कोहली जिसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं अबे कोई शर्म करो अगर गलती से तुम्हारे अंदर आग लगी हुई है तुम आग में भस्म हो रहे हो तो ठंडा पानी पियो यह चिल्लू पर पानी लो ढूंढ मरो और ये काम आपने भी करना है डोंट फॉरगेट टू प्लीज द लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल यह काम नहीं रुकना चाहिए लाइक और सब्सक्राइब भी रहना आठ हजार प्लस दोस्त हाथ है तकरीबन इकसठ हजार दोस्त है और लाइक और सब्सक्राइब ना हो तो यह जाती है बताए हम प्रोडिक्शन हम दे ड्रीम इलेवन हम दे रिजल्ट हम दे प्लेयर टू प्लेयर हम बताए सिचुएशन हम बताए विकेट कब आएगी हम बताए बैटिंग में कौन करेगा हम बताएं तो लाइक तो आप ही करेंगे सब्सक्राइब तो आप ही करेंगे हम तो नहीं कर सकते भाई वो। तो भाइयों जिस तरह की खतरनाक किस्म की टीम इंडिया बन चुका है आठ में से आठ जीते हैं और ये अगला नेदरलैंड वाला मैच है तो जितनी भी टीमें आप सोच सकते थे जनाब ये शायद ये नहीं तो ये टीम ये नहीं तो ये टीम थोड़ा सा मुकाबला करेगी टक्कर देगी सबको रौंदते हुए ये। रौंदते हुए आगे निकल सब का ये। ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका वो भी आपके सामने है। अब हम तो कभी आपसे जीते नहीं तो हम तो अपनी साइड ही बात कर देते हैं और श्रीलंका को भी देखें पचपन इतनी बुरी टीम नहीं है वो हमारे खिलाफ साढ़े तीन सौ कर गए या शायद इतनी वो बुरे हैं हमें अच्छे लगते हैं कि यार हमारे खिलाफ इतने रन परफॉर्मेंस जो है वो टीम इंडिया दिखा रहा है

यू नीडेड समवन लाइक विराट कोहली ऑन दिस पिच अब बताओ फैसला आप कर लो गंभीर ठीक है कि रोहित ठीक है नहीं सही बात है यार देखो हम जब पहले भी अभी आए मिड इनिंग्स में, में आपसे यही बोला कि इस पिच में रन अ बॉल खेलना भी बहुत दुश्वार है तो आपने देख लिया जब वो बैटिंग करने आए क्यों कहता जी वो 200 कर लेंगे कोई 250 कर लेगा 250 पे निपट जाएंगे वो 100 भी नहीं कर सके 83 पे निपट गए वो 83 पे तो उसी पिच पे आपका अय्यर भी बड़ा अच्छा खेल के गया है। और विराट कोहली तो फिर किंग कोहली है ही इज द राइट किंग एंड द ओनली किंग लेजिटिमेट किंग तो आज उसने सौ जो बनाया तो बड़ा ही बेहतरीन और शानदार बनाया आप देखें उस पिच पे जिस पे दूसरी टीम 83 पे आउट हो गई है क्योंकि तब तक तो पॉइंट प्रूव नहीं हुआ था <laughs> तो आप कह सकते हैं कि जनाब नहीं स्लो है ये है वो है वो है लेकिन हमने में आप में क्या कहा था आप तो करके दिखा इसको तिरासी पे पूरी टीम लपेट दी है अब कोई है कि जो आएगा सामने और अपॉलोजी करेगा जी वो हमसे गलती होगी ये तो सही खेला है विराट कोहली यहाँ पे सही खेल गया बेहतरीन खेल गया और ये पिच की जो रीडिंग है ये आपके सामने है एनीवेज मैच देख रहे हो तो सब समझ आ जाता है बिल्कुल जी सही बात है कोई मुकाबला कोई मुआजना कुछ नहीं है एट द मोमेंट इट लुक्स लाइक इट्स इंडिया कप बस वही मसला है कि नॉक आउट वाले मैच में अंडर प्रेशर ना आ जाए नॉक आउट वाले मैच में भी इसी तरह की बॉडी लैंग्वेज से खेलें एट द मोमेंट लग रहा है कि जी टीम इंडिया कोई बहुत एक सीनियर लेवल की टीम है और बाकी कभी सारी क्लब लेवल की टीम्स हैं जब उनका मुकाबला इंडिया से आता है यहां तक लोग मजबूर हो गए अजीब व गरीब पागलों वाली बातें शुरू कर दी हैं कि इनको गेंद नया मिल स्पेशल मिलता है डिफरेंट मिलता है उस पर कोटिंग ऐसी होती है वो ज्यादा खुद ब खुद ही उसको जमीन में फेंक के वो शामी की उंगलियों में और कलाई में कोई जादू नहीं है वो गेंद सीम पे जो लगता है सीम का जमीन पे तो वो खुद ही इधर उधर होती है तो गेंद का कमाल है वो बॉलर्स का कमाल नहीं है मतलब इस तरह की बहकी बहकी जाहिलों वाली बातें शुरू हो गई हैं इस तरह की परफॉर्मेंस देख के यार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक टीम, टीम के बॉलर्स एक टीम के बॉलर्स वो मैच आफ्टर मैच मैच आफ्टर मैच उसी तरह की परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं कि यार ये दूसरी टीम को तो बिल्कुल रौंद के चले जा रहे हैं रौंद के और बहुत ही ह्यूमिलेटिंग डिफीट्स है ये वाली सारी और हम तो अपनी टीम को कौश रहे थे जी आप हमारी टीम ने क्या कर दिया खैर हमारे खिलाफ तो शामी उतरा ही नहीं था नहीं तो पता नहीं और भी क्या और भी जल्दी निपट जाते तो ये श्रीलंका का जो हाल हुआ है आज ये साउथ अफ्रीका का हाल हुआ। ये मतलब साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पे एट द मोमेंट पूरे पॉइंट टेबल पे हम निकाहए तो ये हल्की टीम नहीं थी लेकिन ऐसे हराया है कि जैसे कि ये कोई बिल्कुल कोई एसोसिएट से भी कोई हल्की टीम आई है वो अगले ख्वाब सजा रहे हैं कि जनाब हम पहली दफा वर्ल्ड कप जीतने के चक्कर में और उनके ख्वाबों को चकना चूर आज इतना ये मॉरल डेंटिंग किस्म की यार है क्या पता नहीं नहीं वो बेचारे उठ भी पाए ऑस्ट्रेलिया तो भी नहीं हिलने देता भाई जन आप लोग देख लेना ऑस्ट्रेलिया इनकी चटनी बना देगा ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया को एक पूरी बात क्रिया करें ना अफ्रीका की और लोग जाते हैं यार अब नंबर वन में अब तो आपको मैं टूर्नामेंट से पहले कह रहा था कि अगर इंडिया टॉप पर रहेगी उन्हें स्कोर ये रन रेट वन रेट चाहिए ही नहीं और रेट रुण रेट रुण रेट से आजाद हो गए अब तो साउथ अफ्रीका उल्टा लटक जाए ना उल्टा तब भी इन तक नहीं वो दो हार चुका है इंडिया अगर नीदरलैंड के खिलाफ अपने गली मल्ले की भी टीम भी टीम खिलाएगी तब नंबर वन इंडिया तो टॉप पे फिनिश कर गया ना मैं आपसे क्या कह रहा हूँ तो, तो 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 दूसरे नंबर पे साउथ अफ्रीका ही रहेगा ऑस्ट्रेलिया नहीं हटाएगा चौथे पे आएगा जो भी आएगा नीदरलैंड आए न्यूजीलैंड आए अफगानिस्तान आए पाकिस्तान आए एक मिसाल है तो इंडिया का मैच तो उनके साथ है ना आ, मैं आपको अगला बता रहा हूँ ये जो दो सौ रन हजूर जो डरा रहे थे अफ्रीका से मेरा भाई ऑस्ट्रेलिया ने नीलने देगा ये इंडिया की टीम को जो इंडिया वाले डरा रहे थे जो फरमाइशी फिल्मी नगमो के प्रोग्राम वाले हैं वो बिना का गीत माला चलता होता था, था एटीज में ये गीत माला वाले जो हैं ये क्रिकेट से देखे

दो करोड़ पचास करोड़ सब्सक्राइबर है जिनके इट मेक चैनलों का आपस में मैच पड़ा हुआ होता है पी आर पी है तो शर्मिंदा भी नहीं होते, नहीं होते होते वो मान लेते हैं लेकिन यार आप एक कप्तान है, आप एक सबका कप्तान आप आप बड़ा नाम है, आप सोचे शास्त्री क्या कह रहा है गवास्कर क्या कह रहे हैं फलाना क्या कह रहा है फलाना क्या, क्या, क्या कह रहा है और आप एक अकलौते अनोखे लाडले है टीम को लड़ा रहे हैं रोहित शर्मा ये कर देता रोहित आज सोचे

मुझे बताएं ये टाइम है आप कमेंट्री में बैठ के आप अपनी बेहती करवा रहे हैं आप किसी की बेहती नहीं कर रहे यू यू आर एक्सपोजिंग योर ओन सेल्फ आई एम टेलिंग ये आप किसी से से न्यूट्रल आपको इश्क होना चाहिए विराट कोहली से इश्क करें रोहित शर्मा से इश्क करें आयर से इश्क करें बुमराह से इश्क करें जडेजा से इश्क करें कुलदीप से करें शामी से करें राहुल से करें गिल से करें सिराज से करें

कभी कभी लगता है अपो ने भगवान हा इंडिया वर्ल्ड कप जी बिल्कुल ये इंडिया का वर्ल्ड कप है अगर उन्होंने कोई तो आप, आप, वुड भी तो वेरी वेरी फेवरेट वबके आप भी जरा इफ्स बर्ड्स का शिकार थे कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा रेस भाई आ, डोंट, प्लीज डोंट कंट्रोल मोशन अंकल टुडे नहीं भाईजन मैंने अपने दिल की जो बातें अगर कुछ और भी करना चाहते ये मेरे दिल की बात नहीं है आप बताए इसमें से कोई एक बात दिल की है भाई मैंने कैसे इनको कौन कंट्रोल पूरी करते है बात यह है रिज़वान साहब किसी एक बात से भी इख्तलाब नहीं करें इट मींस इनका भी दिमाग यही कह रहा है और मैं कोई अपने पास से थोड़ी कह रहा हूं मैं तो कॉमन सा देखें एक बात होती है मैच के बाद एक बात मैं आपको मिड इनिंग्स में अभी साउथ अफ्रीकन इनिंग शुरू नहीं हो पहले, रही है पहले, मैं पहले। आपको बार-बार कह रहा हूं कि लग पता जाएगा आप आए तो सही आप आए तो सही आप आए तो सही बार-बार और एक मिनट यहीं रुक जाए आउट अभी तक किसी स्पिनर ने जितने वर्ल्ड कप के मैच हुए हैं फास्ट शमसी की बात और महाराज स्विंग इतना इतना स्विंग हो रहा है तो भाईचैन आप कुलदीप और जिदेजा क्या छोले लेने आए आ, नहीं सात विकटे उनकी और आई कैन बैट ऑन इट अगर पहले लगा देता ना पहले लगा देता ये दस की दस विकटें वो पहली छोड़ के सिराज की नौ की नौ ये ले जाते। भाई हम क्रिकेटिंग में बात कर रहे हैं हमारा किसी से देखें, हमारा ये ही नहीं। या काम है पोस्टमार्टम कर देना हमें कोई क्या दिखाए ना कि जनाब देखे इसको कहा शरीफ आदमी है उसने कहा कुछ रह तो नहीं किया अल्लाह ताला ने सलील दिया मेरे को वो कहता मैं उसको बताता क्या रह गया बात ये है अगर कोई फंस रहा है तो जर्नलिस्ट का कोई जाति तो प्रॉब्लम नहीं है हाँ जो एजेंडा जर्नलिस्ट है वो आपके और हमारे नंगे हो जाते हैं बार बार, बार। पूरी तरह नंगे होते हैं जसविंदर सिंह कहना विराट कोहली की बर्थडे थी इसलिए पहले काम मैच टपा दिया और अब पार्टी सारे हो पार्टी 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 गए होगी 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 आज आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो बहुत सख्त नाराजगी होगी लॉर्ड्स

कम पड़ गए पड़ गया वो पड़ गया वो अगली टीम तेरासी पे आउट होगी छोटी होगी टाटा बाय बाय न्यू वर्ड्स स्टेलर आउटस्टैंडिंग एंड एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस और सब्लाइम सुप्रीम और ऑलमोस्ट डिवाइन क्वालिटी इन देर प्ले और मैस्टर्स प्लेयर्स विद ग्रेट स्किल एंड आर्टिस्ट्री और डाउंट शोइंग फेयरलेस एंड डिटर्मिनेशन जगर गाला जी आपने पूरी डिक्शनरी छाप दिया इंग्लिश की इधर ही और आज बनता भी है आप इसमें और भी जितने ऐड ऐड कर सकते हैं जो भी डालना डाल दें भाई डिक्शनरी आज आप लुटा दें यहाँ पे खाली कर दें डिक्शनरी टू टॉप टीम्स ऑफ दिस वर्ल्ड कप दे आर क्लैशिंग और मिलने को मिलाइए देखने को मिलाइए बिल्कुल वन साइडेड थ्रैशिंग स्ट्रीम रोलोल्यूटली और ये, तौबा, तौबा, defeat तौबा, ये, ये किस एंगल से लग रहा है किसी, किसी भी एंगल से मिस ये वर्ड परफॉर्मेंस अनबिलीवेबल टू गुड देर दे आर टू गुड एट द मोमेंट तो वर्ल्ड कप की जितनी टीमें उसमें से सुथरे सुथरे कोई एक दो एक दो दाने निकाल के भी प्लेइंग इलेवन शायद बना ये है। का 11 तो, बना दे। तो शायद वो भी बड़ी मुश्किल है कि जो इनको चैलेंज कर सके बड़ा मुश्किल है भाई बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस मतेश अब बस पाकिस्तान इंग्लैंड को 200 से हरा दे इंडिया पाकिस्तान समेत बस अब ये अब देखो सानू तोड़ दे चक्कर लगे हो <laughs> ये एक ही वर्ल्ड कप में नौ जीरो करना चाह रहे हैं मान गए मोहसिन साहब मान गए जी आपका एनालिसिस ये स्मार्ट सा भाई, तो है। है भाई आ, हम तो स्टूडेंट हैं भाई हम तो स्टूडेंट हैं और ये गेमिंग यार इसका चैनल कोई ना खरीदना ये स्पैम होता है और ये बजाय इसके कि इसकी मशहूरी ये पता नहीं क्यों ये इधर तो मैसेज करता रहता है आ, रिकी दत्ता इंडिया 200 भी डिफेंड कर लेंदा बिकॉज द वे डिफरेंस बोलो जी ठीक है जी नहीं वो तो गंभीर साहब तो राहुल गर्नाक इनिंग है अगलों उनको तना के रख दिया और उन्हीं की बोली बोल रहे हैं आपके कुछ चैनल वाले भी आज चंद्रयान से बॉल भेजा गया था इसमें <laughs> बॉल अपना ट्रैक चेंज कर लेता है बॉलर्स <laughs> के आंख के मुताबिक भाईजन राहुल गर्नायक भाईजन नाम लेके आपसे कहा था महाराज और शमसी का बॉल गज गज हो रहा है तो जरा लग पता जाएगा इन्हें बॉलिंग कर लेने दें तो अब समझ आ गई आपको क्या हुआ आज कमाल तो बातें बिल्कुल ये ऐसा ही है और ये ऐसा कुछ है वैसे जो आपने चांद पे भेजा ना चंद्रया पता नहीं क्योंकि हम तो वहां तक पहुंचे नहीं आ, अभी तो आपने चूंकि वहां पे पहुंच गए आप तो कोई ना कोई ना सीन किया है आपने मतलब जडेजा गेंद फेंक रहा है वो ठप्पा के अपनी लाइन की तरफ जाने के मतलब ऐसा शार्प शार को आ रही है कभी विकेट पे जा रही है कभी पैड पे लग रही है ये ऐसा कैसे चलता है यार? कमेंट्री बॉक्स भी कह रहा है इवन द कमेंट्री बॉक्स रिपीटेड दैट एवरी टीम वुड बी ड्रेडिंग टू मेट इंडिया इन द सेमी फाइनल स्पॉट ऑन वेल जी थैंक यू जी राजीव राणा साहब हमारी कोशिश होती है कौन कह रहा है वो कह रहे हैं मैं सुन रहा था कमेंट्री में भी यही पॉइंट है जो आप कह रहे हैं कि इंडिया से कोई भी नहीं खेलना चाहेगा सेमीफाइनल बस जी हम कोई कह देते हैं दिन दिन पहले पहले चूंकि महीना चाहे पच्चीस दे रहे थे वही बात सुनील गुवास्कर साहब भी करते दे अभी कमेंट्री में पता नहीं बता दे किसी ने बोला है तो वही बात है भाई ये तिरासी पे आउट होने के बाद ये बात नहीं कही हमने ये पहले आपसे बोला था कि कोई भी टीम हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो Uh, साउथ अफ्रीका हो न्यूजीलैंड आती है या अगर हम खुशकिस्मत हो गए तो हम चले गए अफगानिस्तान तो कोई भी टीम नहीं चाहेगी कि इंडिया से मुकाबला इस उनका, इस मूड में इंडिया जिस हाँ, मूड में है कोई मुकाबला ना हो मतलब उनसे के सामना ना ही हो तो अगर आ गया फिर तो मजबूरी है ना खेलना पड़ेगा अगर चॉइस दे चौथे पे भी आ जाए तो आप तो लुटियां डालें कि भाईजान इस इस पोजीशन से आ गए तो चलो एट द मोमेंट न्यूजीलैंड का कर लेते हैं तो कोई भी टीम नहीं कि इंडिया का सामना करे इतनी जी बॉलर पांच ही हैं तो जब पांच ही नहीं खेले जा रहे तो फिर बाकी कमी महसूस ही नहीं हो पूरी ओवर ही नहीं खेलते अगली टीम में पंद्रह ओवर बीस ओवर ओवर में आउट हो जाती कोई पचपन पे कोई तिरासी पे बिल्कुल जी कोई कंपैरिजन नहीं आता मोमेंट अगर कोई टीम रोहित गेल कोहली कुलदीप से बच भी गई तो तब भी जडेजा अकेले निपट निपट लेगा और पर कैसे बचेंगे? और रहा, मैं टीम भाई का शुक्रिया हूं मैं मैनेजमेंट ने कहा कि आराम से खेलो और सेंसिबली बैट करो अब इसको भी कहें हाँ सेंसिबली बैटिंग करो सेंस के साथ सेंस रहनी चाहिए हमारे इंडिया के बॉलर्स क्या अलग कर रहे हैं मेरा सर चकरा रहा है इतनी खौफनाक बॉलिंग अभिजीत पूछने आपसे जी क्या देखिए अभिजीत साहब बड़ी सीधी सी बात है आपके कप्तान ने आपकी टीम में जो रूप फोंक दिया हम दो तीन महीने पहले यह बात कर चुके थे अल्लाह का शुक्र है वीडियोस पड़े हैं सिर्फ एक पॉइंट है कि उसने हर बंदे को इतना इतना पुरसकून कर दिया है ना इतना नेचुरल एनवायरमेंट है रिजवान साहब इनके ड्रेसिंग रूम का नो बडी इज बॉस नो बडी इज स्लेव एवरीबडी इज अवेयर ऑफ इज रोल क्या रोल है एक दूसरे के लिए आपको मैंने कहा था एक लड़ी में परो दिया एक दूसरे के लिए खेल रहे हैं यह इन्वायरमेंट चाहिए होती है दैट इट क्या करें देखे अब तो स्किल सेट साथ साथ जो, जो है वो डिस्प्ले में आपको नजर आ रहा है अब शाम जिस तरह सीम का इस्तेमाल करता है वो जो कलाइयों का इस्तेमाल करता है जमीन पे गेंद की जो सीम है वो ऐसे मारता है तो उसका ये आर्ट है अब हर किसी के पास नहीं है उसने बरसों मेहनत किया है इस पे अब वही गेंद एक जगह ठप्पा मार के वो अंदर भी लेके आता है बाहर भी निकालता है और अच्छी जगह पे ठप्पा मार आज भी उसने वो डूसन को किया एल उसी तरह किया है सीम का ठप्पा जमीन पर लगा है गेंद अंदर को निकल गई है कई गेंद तो वहीं पे ठप्पा खा के बाहर को निकल जाती है किसी काच निकल के स्लिप में गैच हो जाता है और जिस जिसकी किस्मत ज्यादा खराब हो वो बोल्ड हो जाता है तो ये स्किल सेट है ना नहीं, आप आप, नहीं उसको डूसन को उसने जो नहीं, आपने कहा था जिसकी किस्मत बहुत अच्छी हो नहीं बोल्ड मैं बोल्ड शामी की बात कर रहा करू शामी की बात अच्छा। तो ये स्किल सेट भी है ना चलो अच्छी बात है यूनिटी है सब कुछ है बेहतर है कप्तानी बेहतर होती है माहौल अच्छा है बेहतर है बट एट दिजल टीम गेम लेकिन बॉलिंग तो अब एक बंदा ही ना एक टाइम पे hmm. तो उसका जो स्किल सेट है बेस्ट इन दर्ल्डिंग दीम ऑफ द बॉल बाकी क्लास एक्ट ठीक है विकेट नहीं ले पाया और uh, लेकिन वो आपको अभी तक वो दो गेंद जिसपे उसने हमारे पाकिस्तान के खिलाफ जो आउट किया था रिजवान को और शहदाब को ऊपर नीचे मतलब इतनी एक्यूरेसी से उसी बॉलिंग एक्शन से उतनी आर्म स्पीड से वो गेंद का पेस खींच लेना स्लो बॉल करना ऑफ कटर वो लगता है कि जी कोई फास्ट बॉलर ऑफ कटर ऑफ स्पिन बॉलिंग शुरू कर दिया उसने तो ये स्किल सेट है सिराज वो भी अच्छा गेंद को मूव करता है तो ये सारे फिर आप संदीप वो कुलदीप आपके सामने जडेजा को आज असिस्टेंस दिया जडेजा ने हिलने नहीं दिया किसी को तो ये सारा जो बॉलिंग आपका है ये जनाब स्किल सेट की बात है और ये एक दो महीने में नहीं होते ये इसमें बरसों मेहनत करनी होती है तब जाके ये काम होता है और बाकी टीम इंडिया के स्किल सेट के साथ साथ एन्वायरमेंट भी नो no डाउट बड़ा अच्छा है बड़ा बेहतरीन है बड़ा शानदार है और दे आर डिटर्मिंड टू डू वेल कि यार 10 साल हो गए हम मतलब जीते नहीं घर में हमारे वर्ल्ड कप है हमने किसी को छोड़ना नहीं देखे आप हमने सबकी चटनी बनानी अभी रॉब वाल्टर जो है इनका कोच जो है रॉब वाल्टर वो कहता है अनफेयर टू ब्लेम पिच एज वन टीम गॉट टू थ्री थ्री ट्वेंटी सिक्स एंड अदर गॉट एटी थ्री वी गेव एटी रन टू मैनी ऑन दैट ट्रैक साउथ अफ्रीका हेड कोच ने अभी अभी ये बात की है जो हम बात कर करके ना दोपहर से दिमाग गला बैठ गया और विराट कोहली ने अभी फिर कहा है पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन उसने कहा है बाहर बैठे हुए को लगता है ये बेल्टर ऑफ अ पिच है जरा आके बैटिंग करके दिखाएं नहीं नहीं सही बात है यार ऐसा ही है और तिरासी पे आउट होगी दूसरी टीम बात खत्म हो गई यहाँ पे 270 भी बहुत अच्छा टोटल था ये तो ऊपर से इजाफी आए हैं जो 50-60 आए हैं अगर कोई टीम अच्छा जी आपका वही मैसेज आ गया जी दोबारा अच्छा नहीं हमारे बॉलर्स आपके क्या कर रहे हैं आपके बॉलर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं जनाब गिव फॉलो ऑन श्रीलंका फॉलो ऑन टू श्रीलंका एंड अफ्रीका अच्छा मुझे लगा कि फॉलो करेंगे यार इंस्टाग्राम पे भी आईडीज मौजूद है उसका लिंक भी हमारा हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो वहां पे भी फॉलो करें ट्विटर पे भी फॉलो करें जी फॉलो ऑन दे दे आप श्रीलंका को और तिरासी बिल्कुल बनता है इनका बनता है और दो दो बार इनको दे बारियां और रोहित साहब वेट्स या कह रहे हैं एज अ क्रिकेट फैन इट इज वेरी डिसहार्टनिंग टू सी इंडियन पीपल इट्स कॉलिंग विराट एज सेल्फिश एंड चुकोली चोखली वट कैन दिस गाय डू टू प्रूफ ही हैज सो मेनी मैचेस उंट सर ये आपके अपने जो शोक so है दस रुपए का इजी लोड डालते हैं दे थिंक देव लाइसेंस टू केल मतलब विराट कोहली को गली मल्ले का बच्चा है बीस साल अपनी जिंदगी के दिए हैं तुम्हारी उम्र इतनी नहीं है जितना पूरी दुनिया उसको तो मानती है पूरी दुनिया उसको जितना मानती है ये हम यहाँ बैठे हैं चलो हम तो यूट्यूब पे भी काम कर रहे हैं जर्नलिज्म छोड़ दो साइड पे रख दो हमारी कोई एक बात बता दो जो हमने की हो और वो ना हो रही हो कोई तारीफ हम कर रहे हैं एक्स्ट्रोर्डनरी यहाँ पाकिस्तान में ऑर्डनरी जिस ग्राउंड में जाते हैं रिजवान साहब ने आपको पहले भी बताया कोहली के पोस्टर कोहली के नाम आम बंदे से पूछे विराट कोहली कर रहे हैं लोग इंटरव्यू ले रहे होते हैं माए बहने बच्चे जो है वो कोहली 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 कर रहे हैं बाबर के मुकाबले में पाकिस्तान में बैठ के

वक्त गुजर जाता है तो फिर उसका बड़ा एहसास होता है बड़ी बेचैनी के साथ सो so विराट कोहली जैसा लेजेंडरी बैट्समैन ये टीम इंडिया और इंडियन क्रिकेट फैन इंडिया एज अ कंट्री उनके लिए बहुत फखर की और ऑनर की बात है कि इतना लेजेंडरी बैट्समैन आपके मुल्क में पैदा हुआ आपके मुल्क का नाम इतने सालों से आग तो आग। इतने सालों से आपके मुल्क का नाम रोशन कर रहा है वो यह आपने बिल्कुल सही लिखा आप उंगलियों पे गिने आपको जेन से निकल जाएगा जी ये मैच ये मैच ये मैच 20 यो मैच उसने अपने दम पे जिताए आपको 20 यो मैच अपने दम पे जिताए हैं उसने बाकी सुबह की वीडियो में हमने ट्रिब्यूट पेश किया था एप्रिसिएशन खिरादत तहसीन उसमें काफी डिटेल में बात की थी तो हिज सेकंड टू नन 49 हो, हो गए हैं और उसमें से आधे सौ उसके वाइल्ड चेजिंग है चेजिंग में उससे बड़ा बैट्समैन दुनिया क्रिकेट ने आज तक देखा नहीं और सबसे ज्यादा रन वाइल चेजिंग चेजिंग में ही पता चलता है तगड़े बैट्समैन रन वही है जो अंडर प्रेशर आए जब सारे कर रहे हैं तो आप भी कर ही लेंगे अंडर प्रेशर जो रन आए वो वो वाले रन जो है मैटर करते हैं चेजिंग में सबसे ज्यादा रन मैं सुबह भी यही बात कर रहा था ऐसा लगता है कि जैसे दिमाग में उसके एक चिप डली हुई है वो जो गेंद में डाल रहा है ना असर नजर वो उसे नेक्स्ट लेवल वाली यार अंदाजा इतना कूल एंड काम तरीके से वो चेज करता है किस बॉलर को कब टारगेट करना है कैसे दूसरों को साथ लेकर चलना है और वो आप पाकिस्तान वाला मैच पिछले साल वाला देख लें कैसे स्मूथ तरीके से हमारी जेब में था मैच निकाल के ले गया कितना आसान है कि आप एक बंदे को टारगेट कर रहे हैं एक जहन लोगों का बना रहे हैं जहर उगल रहे हैं कि ये स्लो इनिंग्स है आपके मुंह पे ऐसा चपेड़ लगी है हाँ। ऐसी आपको बेचती हुई है कि एक बंदे ने सौ किया पूरी टीम ने तिरासी किया हमारे पास ऐसा तो कभी आया ही नहीं बाबर अभी पीछे है बहुत पीछे है थोड़ा सा आया यहां पे लोग कितना प्यार करते हैं आपको नहीं पता बाबर को थोड़े से लोग हैं जो क्रिटिसाइज बहुत करते हैं वरना पाकिस्तान में बाबर की बहुत फैन फॉलोइंग है स्किल सेट पे देखें विराट कोहली कहां पे है तो फिर आई एम एमेश अभी लोग उसको भी क्रिटिसाइज कुछ करते हैं यार उसकी परफॉर्मेंस को भी अभी भी सेल्फिश बोलते हैं ऐसा बोलते हैं यार कमाल हो गया तो वो होता करें। तो पांच होते। हाँ। वो सेल्फिश सेल्फिश होता होता तो तो होते इस वर्ल्ड कप के उसके पांच तो कदर करें जब तक वो खेल रहा है फिर चार पांच साल है शास्त्री साहब ने यही बोला कि कदर करें वो दूसरे वाले के भी कर लो कदर जो कप्तान है उसको खैर इतना क्रिटिसाइज नहीं करते लेकिन बीच में कुछ कुछ बोलते हैं उसको

वो दूसरी टीमों की बेइज्जती कर रहे हैं बेइज्जती ह्यूमिलिएशन वो ह्यूमिलेट कर रहे हैं दूसरों को विद द बैट एंड विद द बॉल इट इफ इंडिया विंस दिस वर्ल्ड कप दे विल बी द मोस्ट डोमिनेटिंग चैंपियंस इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड यार देखिए ये बात सही है आप तीन और सात की अगर मिसाल देंगे अनबीटन रहा है नाइनटी नाइन में अनबीटन मतलब नाइनटी नाइन में भी जीता वो है वो बातें सब सच है

29 पे मतलब और बड़ी टीमें ये देखे ये नीदरलैंड नहीं है तो बड़ी टीमें हैं श्रीलंका वर्ल्ड चैंपियंस चैंपियंस है है एशियन अभी लास्ट टाइम का भी चैंपियन था एशिया का इंग्लैंड रनिंग वर्ल्ड चैंपियन था साउथ अफ्रीका हर बंदा डर गए मर गए लुट गए पिट गए ऐसा ही ऐसा ही है जी ना सिर्फ हरा रहे हैं बल्कि बेइज्जत करके हरा रहे हैं सही बात है ये बड़े सही लफ्ज यूज किया जी साहब आपने

क्वालिटी इक्वलीस दास साहब ये होती है ना बात आप या तो आप कह रहे हो ना देखिये थिंक इज के जी रिजवान अच्छा है और मैं कहूँ हाँ यार रिजवान अच्छा है आप अपने मुंह से कह रिजवान अच्छा है इसका कोई फायदा नहीं है मेरा आपका मुकाबला ही नहीं है रोहित विराट कोहली सीता कह रहा है वो ग्रेटेस्ट है आई लव हिम आई एडमायर हिम इज माय हीरो तो बात बाबर कह रहा है रोहित विराट विलियमसन जो है मेरे हीरो है मैं उनसे ऐसा करना चाहता हूं फिर आपको शर्म आनी चाहिए आप क्यों उनका कंपैरिजन करते हैं यार सही बात और कहते हैं जी सेल्फिश इनिंग्स है। जी क्लास फॉलोड बाय क्लास क्या ही कहना है। और बर्थडे uh, उसका उस पे 100 भी किया और प्लेयर ऑफ द मैच कर लिया। इंडिया ने किसी भी मिला पॉन्टिंग बॉलिंग अटैक 300 नहीं कर रहेगा रन थ्रू कर जाएगा दूसरी टीम के बिल्कुल जी सही बात ऐसा ही है साउथ अफ्रीका को फाइनल में भेज दो सीधा वरना फिर सेमीफाइनल हारेंगे हारेंगे ऑस्ट्रेलिया नहीं छोड़ता इनको

तो ठीक है अब नहीं हुआ गंदा निकल गया वर्ल्ड कप लेकिन अभी उम्मीद बाकी नहीं करते कैसी की बात है, के, आ, मैच है हमारा तो एक स्पिनर भी हमने नहीं डाला क्यों क्योंकि वो इस काबिल नहीं है और उन पर कॉन्फिडेंस नहीं है सैनी जी कहते हैं नमस्ते मोहान भाई फ्रॉम हरियाणा इंडिया सर आप कहा गए वो जो कोहली को सेल्फिश कह रहे थे

और मोसू भाई गार्डन में दिल गार्डन गार्डन हो गया वाह वाह और विराट कोहली शास्त्री साहब करे, करें रहे एस जी कह रहे हैं आई सेट वी विल विन बाय हंड्रेड रन्स बट देन दिस हैपन आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ओवर फ्रेंड्स फॉर इंडिया विनिंग द वर्ल्ड कप राइट हियर टेन डेज बैक मतलब पहले एडवांस में मुबारकबाद चलो समीर भाई अल्लाह करे आपकी जुबान मुबारक हो जाए लेकिन देखें आपसे मिड इनिंग्स में कहा था 200 कर लेंगे तो बड़ी बात होगी तो सौ भी नहीं किया uh... पता नहीं पागल का बच्चा जगजीत बुल्लर जी कहते काल वेस्ट द साउथ अफ्रीका बैटर शोड अबिट मोर इंटेंट लाइक How they have been doing in this World Cup? Wanted to see ऐसा महसूस ही नहीं हुआ की ये दो टॉप टीमों का मैच होली तो बुलर साहब ठीक हो गए होंगे आपसे तो बात ही नहीं हो रही थी ट्राई की थी शायदरैंड भी इससे बेहतर मतलब तिरासी चौरासी करने हैं ना <laughs> इंडिया को चाहिए अब अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट दे तो चौरासी रन वो भी इनसे बेहतर बैटिंग में कुछ कर लेंगे शायद कृष्णा है ये ठाकुर है रिजवान साहब ये सारों को आप मौका देने इशन किशन है दे विल, दे विल शुड देख सिर्फ रोहित और विराट ना रेस्ट करें बॉलर्स को अपने रेस्ट करा दें गवास्कर साहब कह रहे हैं कि रोहित के अंडर फंडोमिनल हो गया कुलदीप अनप्लेबल हो गया

जो 2003 और 7 में ऑस्ट्रेलिया ने किया इंडिया इस वर्ल्ड कप में एब्सोल्युटली वैसे ही कर रहा है साउथ अफ्रीका 83 वर्सेस कोहली 101 कोहली विन बाय 18 ठीक है जी बिल्कुल सही बात है अदद इंडिया मस्ट ना गिव रेस्ट टू बुमरा वन बिटवीन सिराज एंड शामी अगेंस्ट नेदरलैंड्स टू कीप देम फ्रेश एज नंबर 1 पोजीशन इज सील्ड नाउ

फॉर द इंडियन लोगों की आपके चलते रहते हैं क्यों लोगों को समझ नहीं आ रही ये रोहित और विराट में दिस इज देर लास्ट वर्ल्ड कप मुझे तो ऐसा लगता है अगर किसी को नहीं लगता उसकी मर्जी यार इन्हें इंजॉय करें आप लोग ये आपके वो दो प्लेयर है

एक बंदा एक बंदा विराट कोहली पिछले तीन साल आप क्या परफॉर्मेंस थी आपकी एक महीना पहले आप कट्टर हिंदू साहब कहां घुसे हुए थे एक महीना पहले वेर वर यू आप नाम चेंज करके मुझे पता है आप कौन है लेकिन मैं यहां नहीं बताना चाहता मेरे पास सब कुछ होता है मैं अभी भी कायम हूं अपनी उस स्टेटमेंट पे एक महीना पहले नो बडी गिविंग अ डैम एक महीने में आपसे कहा था रोहित शर्मा चीजें हाथ में ले चीजें ठीक होंगी अब क्या हुआ मैं वो बाइस और अकल का अंडा नहीं हूँ आप नहीं होगा किसी से रन ये फाइव बॉलर किसी बैट्समैन के लिए नाइटमेर और बिल्कुल खौफनाक खतरनाक चक्रबोधी साहब बिल्कुल सारी बातें इतना स्विंग तो नहीं था रज भाई ठीक है जी आपका मैसेज मैंने पढ़ लिया उसके अलावा तनिष अग्रवाल साहब में Might end up 60 65 इतना टाइम ही नहीं देंगे आप देख लीजिएगा टाइम भी और दूसरा हमारे वाले जो है वो, वो साल में कोई चार <laughs> मैच नहीं खेलते तो, अगले साल नवम्बर में हमने ओडियाइस खेलने अगले साल मतलब तो, चार सालों में पच्चीस मैच खेले छब्बीस मैच खेले तो आप देख लें कितना आठ मैच एक साल में खेलते हैं तो वो अगर कोई खेल गया कोई चार सौ मैच तो फिर शायद कोई बात कोई बनेंगे वो भी पचास के करीब पहुंच जाए पचास पचपन लेकिन इतने मैच अब आगे ओडीआई वैसे भी कम हो रहा है बड़ा भी तो बड़ा मुश्किल है भाई ये जो रिकॉर्ड बन जाएगा ये ये नहीं टूटता नहीं टूटता हाँ जो बन जाएगा आगे ओडीआई क्रिकेट का वैसे फ्यूचर का नहीं पता क्या है क्या नहीं मौसम भाई भाई विराट प्लेड सेल्फिश गेम एज पर सम पीपल व्हाई नॉट इफ इंडिया ऑलरेडी ऑन स्ट्रॉन्ग पोजिशन इन दिस पोजिशन दिस इज एक्सेप्टेबल जेडे सूर्या डिड ऑल सेट एंड पिच बिकम हार्ड अविनाश मिश्रा जी इस पे हमने बहुत बात कर लिया पहली वीडियो में भी और अभी भी मिश्रा साहब आपके अपने ही बाबर कैसे दलील हुआ ही रिप्लाई टू इन फन हसन मोहुद्दीन

वो तीन जीरो से की बात कर रहे और उसके बाद की जो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं बाबर बल्ले से से उसके बाद आज आज जी आज नासा बॉल कंट्रोल कर रहा था पता नहीं क्या क्या नासा चल रहा था नासा नहीं वो जो चंद्रयान भेजा उसने कोई चांद से वो सैटेलाइट का कोई सीन चल रहा है नमस्कार आस पास ही नहीं है जनाब सिन्हा है। जी जी दुआ करें बस जरा जमीन पे रहें। श्रीलंका, पाकिस्तान इंग्लैंड। अफगानिस्तान की भी अच्छी गेम है परसों अफगानिस्तान का ऑस्ट्रेलिया का मैच है और फिर एक मैच उनका साउथ अफ्रीका से भी रहता है तो अफगानिस्तान भी अभी तो, लाल साहब अभी अफगानिस्तान भी गेम में रेस में लगा हुआ है तो उनके मैचेस भी बड़े वाइटल हैं कल वाला बस आप समझे हल्का ही है बांग्लादेश और श्रीलंका का रोहित शर्मा जी गए सर शमी एंड द होल बॉलिंग यूनिट इज एक्सेप्शनल बट स्टिल आई थिंक पांड्या इंजरी इज अ ब्लो अमी विल बी द मैन ऑफ द टूर्नामेंट शामी विल विन द इंडिया द कप एंड दिस शामी वाज सिटिंग ऑन बेंच फॉर ठाकुर ये इन्वेस्टिगेशन खुलनी चाहिए <laughs> करेगा कौन

सिराज की फील्डिंग के बारे में फील्डिंग उसकी जो है ना वो कमजोर है वो हल्की है सबको पता है कमजोर है तरासी में भी उस पे विराट की सौ लेट थी पता नहीं क्या था अब आप सिराज पे भी डाल ले नहीं तो ये शायद बीस पे आउट हो जाते नहीं नहीं देखें ओवरऑल बात हो रही है आज के मैच की वैसे बात है है हमने तो कुलदीप की भी फील्डिंग बहुत कमजोर है लेकिन सिराज की सबसे अभी टीम इंडिया में सबसे हल्की फील्डिंग इसकी है सिराज की तो ये मिया जी पे इस पे काम कराए इसको फील्डिंग पे कुछ दो तीन घंटे डेली इसको ये फील्डिंग फिर भी, भी यही करेगा क्योंकि तो क्रुशियल मैच में क्या दे यू नो हल्का है फील्डिंग में बिल्कुल हल्का सर ऑफ टॉपिक दो आई रिस्पेक्ट गंभीर बट क्रिटिसिज्म साउंड्स पॉलिटिकल पर्सनल ग्रजेस एंड इफ समवन इज गोइंग अप तो बेटर टू तो अप्रिशिएट बस ये ऐसा ही है अब ये पॉलिटिकल का तो हमें नहीं पता वो तो आपको ही बेहतर पता होगा लेकिन uh, sometimes ऐसा लगता है कि यार पर्सनल कोई है। बाबर जी ठीक है आपका मैसेज मैंने ले लिया दो बार आपने भेज दिया मैसेज हसन मोहुद्दीन साहब रोहित शर्मा कहें जनाब रिजवान मोसम भाई पाकिस्तान कम्स टू तो दे कैन बीट इंडिया ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान आर द ओनली टीम विच कैन बीट इंडिया बट ओवरऑल इफ यू सी इंडिया डिजर्व टू विन द कप जी इंडिया डिजर्व टू विन द कप दैट्स वाई वी सेट किट कप कोई ब्लंडर ना कर दें आगे नॉकआउट दो गेम मैच हैं सेमीफाइनल और फाइनल बाकी जहाँ तक आपने बोला है कि जी ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान ही हरा सकते हैं आई डाउट जी पाकिस्तान का मुझे मुश्किल लग रहा है uh, पाकिस्तान की नस्बत ऑस्ट्रेलिया जो है दे वुड बी गिव दे विल गिव मोर चैलेंज टू इंडिया दिस आर वट आई बिलीव और पाकिस्तान uh, का थोड़ा मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया की नस्बत बाकी तो देखें हर मैच नया मैच है नया दिन है नई शुरुआत होती है तो जो भी टीम खेलेगी इनके खिलाफ वो उसके खिलाफ इंडिया ही फेवरेट उतरेगा उत्रे, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो न्यूजीलैंड हो पाकिस्तान हो वॉट रत्नेश हेयर फ्रॉम बैंगलोर लव योर कमेंट्री कीप इट अप भाइयों रत्नेश सिंह की थैंक यू वेरी मच जी आपका शुक्रिया शामी हमारा हुक्म का इक्का है अच्छा इक्का था अच्छा। ओनली सेमीफाइनल और फाइनल के लिए सरप्राइज रखा था अच्छा अच्छा बाकी टीम के लिए अच्छा। मगर हार्दिक के कारण खिलाना पड़ गया क्या लॉजिक दिया आपने आपको बहुत प्यार है रोहित शर्मा से मुझे यकीन है हुक्म का इक्का था लव योर एनालिसिस टू प्रोडिक्शन आपका बहुत इंडिया बॉलिंग किंग प्लेड एंकर जुडेजा की, की, तो की, तो की भी बात करें बुमरा की भी बात करे लाइन और लेंथ ठीक है एक आधे नहीं बुमरा ही तो कमरे तोड़ता है रोज आज नहीं तोड़ सका तो वो एक आधे मैच में जरा थोड़ी सी विकटे जो है दूसरे वाले ले रहे हैं ज्यादा बट बुमरा इज वर्ल्ड क्लास बॉलर आईपीएल की तरह इमिलिनेशन क्वालिफायर नहीं जी वो नहीं होता इस क्या करना है उसको आ, सांगर जी कहते ना बीन वाचिंग योर वीडियोस फॉर द पास्ट टू इयर्स कमेंटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम आई लव योर एनालिसिस ग्रेट क्रिकेटिंग नॉलेज जवान मोहसिन भाई और हैप्पी बर्थडे टू जी हैप्पी बर्थडे जी हमने बर्थडे डाला हमारी तरफ से जितने भी अभी तक इंडिया ने मैच जीते हैं और उन बालों का म्यूजियम बनाकर रख लेना चाहिए ताकि लोगों को गलत फहमी दूर हो जाए ऐसा तो बड़ी प्यारी बात की आपने आपको इस बात पे एक टी शर्ट दी जाएगी बहुत बैं प्यारी बैं। बात की आपने दोरा साहब अब आप याद रखिएगा और हमें भी याद दिलाईगा बस भाई क्या करे कुछ लोग कहते हैं हमें जल्दी जमीन नहीं पता ये भी दिन देखने थे

खुश ना? आप देखें, बड़ी जीत भी आई है कोहली का आज बर्थडे था उसका शो भी आया प्लेयर ऑफ द मैच भी बना है तो सारे काम ही यस हो एक ही दिन में सब हो गया आपको कहा था वेट करें वेट करें ईडन गार्डन का सब हो जाएगा तो सारे काम हो गए डॉक्टर सुमैया

हमारा गंभीर आपका श्वेब दोनों बस बोलते ही रहते हैं भाई जन हम तो श्वेब को रगड़ते हैं आप लोग बीच में मार्जिन दे जाते हैं अभिषेक कुमार भाई, वी वाज, uh, is, आपके वहां चलता होगा यहाँ पे नहीं चलता गंभीर वर्ल्ड ओहो मेरी बात सुन चल उसको क्या आए एक तरफ वो बैठे एक तरफ मैं बैठता हूँ अगर वो मुझसे अच्छा बता जाए मैं सारी जिंदगी जलिज नहीं करूंगा उसका चेहरा देखा करो उसके चेहरे पर नजर आता कितना उसके अंदर तुम बच्चे हो भी बेटा जान से भाई जान आज से ऐसे भी दिवाली शुरू है और आप वैसे भी होगा मैंने सोसाइटी दिया। हिला दिया, हिला दिया फायर क्रैकर से अभी स्काय शॉट्स ऑन है और बॉटल किंग के सेंचुरी पे ओपन होगी और 12 बजे पता नहीं दिवाली डे होगी वो विल सेलिब्रेट 50थ टर्न जी 50वां भी अब इसी वर्ल्ड कप में आ जाए तो दैट वुड बी नाइस और अगर नॉकआउट में आ गया तो दैट वुड बी अमेजिंग फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका फेल्ड टू अ सिंगल सिक्स कांग्रेचुलेशन जी ये आज के मैच में छक्का भी कोई नहीं है, हाँ। के साथ है टोटल। और वर्ल्ड कप में।, में नहीं लगे पचासी छियासी छक्के मार चुके हैं पिछले वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड था इंग्लैंड ने क्रिएट किया था अठहत्तर छक्कों का तो वो अभी तक वो तोड़ चुके हैं लेकिन आज छक्के भी वड़ गए कहीं पे और एक छक्का भी नहीं मार सके एक भी नहीं ये होती है डोमिनेशन हर टीम को छक्के मार मार के पूरा हाल किया और आज एक छक्का भी नहीं लगा इनसे नॉट इवन वन सिंगल सेक्स बाय साउथ अफ्रीका जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, दिया। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ सबसे ज्यादा किसी भी वर्ल्ड कप में छक्के मारने का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका ने इस वर्ल्ड कप में बनाया है अभी उनके मैच एक रहता है ग्रुप मैच में आज तो सात मैचों में कोई पचास चक्के आज एक भी नहीं लगा एक भी नहीं लगा यह है जनाब बॉलिंग इस बॉलिंग की हम बात कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड वर्ल्ड क्लास बॉलिंग इसके सामने मारता ना आज तो फिर मजा आता अब बाकी तो आपके सामने ये सारी सूरत आप एक भी छक्का नहीं लगा बिल्कुल सही गंगुली टूक द Hard and unpopular decision to replace Kohli with Rohit all cursed him now now his vision is paying off ये, ये सौरभ कुमार आ, जी का मैसेज है ठीक है को, जी, जी, जितना लॉन्गर वर्जन होगा इंडिया को सूट करेगा टेस्ट में इंडिया वही टीम है जो दो बार पहुंची है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ओडीआई फॉर्मेट इंडिया को सूट करेगा लेकिन इसीलिए एशिया कप में आपने वन साइडेड मैच जीता फाइनल यहाँ पे भी अभी तक अनडिफिटेड चल रहे हैं जितना अच्छी टीम होगी उसको लॉन्गर वर्जन उतना ही सूट करेगा लेकिन ये मत भूलिए कि एक बीच में टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप भी आपसे गया है रोहित शर्मा की कप्तानी में और पिछले वाला जो एशिया कप था वो टी ट्वेंटी फॉर्मेट में उसके आप फाइनल में भी नहीं पहुंचे तो ऐसा नहीं है कि यहां पे अभी आपको पॉजिटिव है तो आप बोलेंगे जनाब विराट कोहली बिल्कुल फारक था कुछ भी नहीं था तो बैलेंस करना सीखे चीजों को और आई विलस्ट द सेम क्वेश्चन टू ऑल ऑफ दम बाई क्रिटिसाइजिंग टूडे विराट विल बी लेफ्ट ऑफ ही इज अम हीज अर नो डिसाइजर

बस बस जी तो जी जी हम तो 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 ऐसा हो जाए हमारे तो, तो वाले इतना इतना उस दिन तगड़ा खेल के में इतना का, में वरना इन्होंने कुछ खास किया नहीं इंडिया नहीं अब दोनों क्यों आए आप लोगों ने जी <laughs> आ, रिज भाई महाराज के ओवर्स रुक के रखने लगा था लास्ट तक नहीं लास्ट तक क्या महाराज क्या तक भाई जान पहले तक लास्ट तक बीच तक अंदर तक बीच में पड़ जाती सब कुछ बिल्कुल कुछ भी मुकाबला नहीं हुआ ना मैच का क्लोज मैच होता तो हम इफ्स एंड बर्ड्स पे बात करते महाराज को ओवर पहले दिया बाद में दिया ये दिया कोलिन को ये स्लो था तेज था मुकाबले कोई नहीं हुआ सारे सवालों का जवाब मिल गया आपको दुबे जी कहें ना भाई ये वर्ल्ड कप इंडिया को दे दे बात खत्म करें क्यों बेचती करा रहे हैं अपनी और बोलो और ये तो और माफ करो हमें लव यू थैंक यू जी बिल्कुल जी साहब ऐसा ही है ऐसा ही है हम दे दे तो अच्छा इस तरह की जिल्लत अमेज़ हारों से बेहतर है कि वर्ल्ड कप उनके हवाले करो और वापस आ जाओ सारे के सारे ह्यूज रिस्पेक्ट एंड थैंक यू टू बोथ ऑफ यू थैंक यू फॉर ऑनरिंग विराट कोहलीरिंग दिस टी शर्ट विराट कोहली जितना हमारा है उतना का भी है क्रिकेटर्स जी बिल्कुल जी हमने लिख के भी लगा लगाया हुआ क्रिकेट भी बाउंड्रीज और वैसे आपको बेशक के कई इख्तिलाफ़ हों मोहम्मद रिजवान की बातों से लेकिन एक बात उसने बड़ी खूबसूरत किया क्योंकि वो टीम मेट था पुजारा के साथ काउंटी क्रिकेट में एक ही टीम में खेल रहे थे तो अच्छी गपशप थी एक इंटरव्यू में उसने बोला कि ये दुनिया क्रिकेट में जो आठ दस टीमें क्रिकेट खेलती हैं उनके सारे प्लेयर्स हमें एक कम्यूनिटी हैं विराट कोहली भी हमारा है और पुजारा रोहित शर्मा विलियमसन ये रूट जितने तो हम सब एक ही तो ये बड़ी अच्छी खूबसूरत बात तो उसने की थी ऐसे तो ही है क्रिकेट के खेल से है ही टोटल आठ दस आठ दस में से भी ये टॉप की जो क्रिकेट खेलती है चार तो, पांच तो कंट्री तो बिल्कुल ये प्यार मोहब्बत बना रहना चाहिए क्रिकेट के खेल से जो प्यार करता है ऐसा हो ही नहीं सकता वो कोहली से प्यार ना कर इतना बेहतरीन वो महत्ती लैंगर ने पूछा शास्त्री से हु कैन स्टॉप इंडिया उन्होंने कहा जी पाकिस्तान इफ दे क्वालिफाई यही बात गवास्कर साहब ने दो दिन पहले की थी बस मीर भाई इज नॉट लाइक गोना लाइक दिस जब गंगुली ने कोहली शास्त्री को हटाया तो लोग रो रहे थे अब हाँ। समझ आ गया जे बेटा हाँ। हाँ। गौरव साहब चलो गौरव साहब दो हजार ग्यारह में टीम लिया दो हजार रुपये में कप्तान आपका आप कसूर नहीं है एक महीने पहले तक आपके जो हालात थे मैं पता था गौरव जी मैंने अभी आपको बताया आप टी वर्ल्ड कप में फाइनल नहीं खेले आप पिछले वाले एशिया कप का फाइनल नहीं खेले जितना लॉन्गर वर्जन होगा उतना ही आपकी टीम बेहतर है बैलेंस अच्छी टीमें जो होती हैं वो लॉन्गर वर्जन में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती टेस्ट और वनडे बाद में टी ट्वेंटी तो अच्छा चल रहा है अभी आप अप्रिशिएट करें समटाइम्स यू कैन अप्रिशिएट विदाउट कंपेयरिंग और कोहली और शास्त्री के जो कॉम्बो था उसमें भी आपने ठीक ठाक मैचेस uh, संजय कुमार साहब बात ये है कि जो क्रिकेट को क्रिकेट की तरह नहीं देखते हैं है, है, मेरी बात नहीं हो रही है मजबूर कर दूंगा जनाब बिल्कुल जी बहुत बहुत अच्छा खेल है बैटिंग बॉलिंगल देखे अगर विराट कोहली की इनिंग्स इतनी अच्छी नहीं थी तो उसे क्यों दिया मैन ऑफ द मैच एक बंदे ने

बोल लेंगे उसको अब हम उस पे क्यों अपना बख्साया करें और आप भी ना करें अह नमस्ते सर मैं मोहम्मद शमी को भी एंजॉय कर रहा था चाहे उनके भी लास्ट वर्ल्ड कप हो हां हो सकता है वो तो होगा अह 15 क्या अभी तो बैटिंग की बात कर रहे हैं ना उसका भी शमी का भी लगता है लास्ट है लास्ट है 15 1900 फिर अभी और नहीं ऑस्ट्रेलिया कि मतलब तो, तो, तो पांच टी ट्वेंटी मैच खेलेगा वर्ल्ड कप के बाद खेलेगा इंडिया में इंडिया में खेलेगा उसके बाद देखो आ, इंडिया ने तो जाना है साउथ अफ्रीका इंडिया साउथ अफ्रीका जाएगा टेस्ट सीरीज के लिए हम जाएंगे ऑस्ट्रेलिया तो अगले साल फिर आप ऑस्ट्रेलिया तो हम साउथ अफ्रीका लड्डू खाओ जी तो खाओ जी निकल तो सारे साहब कल ही खा रहे हो कटियाल जी कह रहे ग्रेट हो तुम आपको कह रहे हैं यार ग्रेट मेहरबानी है आपकी जवाब तो दे दे भाई ग्रेट उट like इन और हम जीतेंगे पाकिस्तान से कह रहे हैं कोई खतरा नहीं अच्छा। है न्यूजीलैंड से थोड़ा सा खतरा है।, है तो बेहतर न्यूजीलैंड नहीं आए ठीक है। तो चले जी आपको अगर इतनी छोरटी आ तो आप फिर अमीन बुलवा लें फिर कुछ कर ले वहां पे कोई, कोई दुआ शुआ मांग ले आप

द पास्ट की ऐसी थी वैसी थी ऐसी कभी भी नहीं थी सर जी wait since 2011, hope 2020, win by India. जी जी if he, if he was, uh, जी 2011 2023 अंकित पटेल पटेल साहब अमेरिका बैठे हुए हैं 500 ये ये है बाय मी बाला आई एम एंजॉयिंग दिस इंडियन क्रिकेट Uh, अच्छा जी जस्ट कॉल यूज फॉर यू और uh, आप इंजॉय करते रहे रिस ब्रो इन जाहलों को कोई बताए कि यूएसए जैसे देश की एल ओलंपिक्स कमेटी बेवकूफ है जो विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर बना रही है दो हजार अट्ठाईस के गेम्स के बास जी ये ये सारे फारक है ना इसलिए ऐसी बातें ये बेचारे कभी जिंदगी में इसके नजदीक ही नहीं आए द वर्ल्ड कप व्हाट द टू फाइनलिस्ट टीम इन योर रोहित शर्मा क्या uh, ऐसे खेलेगा ओली हाईएस्ट स्ट्राइक रेट के लिए विश्वास कुमार आई थिंक इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंडिया फाइनल इंडिया ऑस्ट्रेलिया का लग रहा है जी मोसम भाई लव यू फ्रॉम यूएसए टिलू साहब थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू टिलू साहब ने टिलू साहब कभी इंडिया आप दोनों आए तो मेरी तरफ से पार्टी ठीक है थैंक यू वेरी मच जी आपका शुक्रिया कोलकाता पाकिस्तान के पीछे होगा इट्स नाउ और नेवर स्टूडेंट ऑफ द गेम ठीक है जी ठीक है भाई जी ठीक है जी आप बस हमारी टीम को आप आप रहिएगा हम आगे से पकड़ लेंगे हाँ मौसम भाई

खाली टीम में हवा भर रहे हैं ये एक महीना पहले आप भी यही कर रहे थे यू आर द सेम तो साहब आप देखें शास्त्री और वक्त बदल जाता है, है।, है। देखते हैं विराट कोहली बुल्ड दिस बेल्ट दिस स्पेस अटैक ड्यूरिंग कप्तानी और ही ब्रॉड बॉलिंग इंडिया रिलाय ही इट अब कोई नहीं मानेगा बस छोड़े ठीक है

औसिस के बारे में फाइनल खेलेगी दुम्बा बना देंगे और किसको मोहसन भाई के गले का कुछ करो जना पीसीबी पीसी जिम्मेवार है नहीं ठीक है गला इनका क्या हो गया गले का के? कुछ करो मैं के दे गले चार पाया है सम पीपल आर सेइंग वो मोटे वाले अंकल बहुत मस्त uh, अच्छा है बट आप खुद ही ऐसे मजाक उड़ा रहे हैं हमारा साहब ये मैं आपकी तस्वीर अभी शेयर करूं मोटा कौन है तो आप मुझसे पंद्रह किलोग्राम ज़्यादा होंगे और आपका मुंह इस कैमरे में भी पूरा नहीं आता तो साहब ने बताया नहीं कि कौन सा पांच है तो एक करेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही है हम बबूमा कह रहे थे इंडिया के पास पांच ही बॉलर वो जतेजा को टारगेट करते थे वो ही कमजोर था तो हमारे दिमाग में है कि उनके पास सिर्फ अटैक करना किसी एक अच्छा मुश्किल थे से वाले वाले या वाले। यार वैसे कमाल है तू भी बबूमा तो बस सोचते ही रह गया बबूमा ने बड़ा अच्छा रोला पै गया बूमा रह गया <laughs> जनाब क्या है ये जडेजा को ये ब्लॉक नहीं गेम ये गेम ऐसे एक दफ़ा दिखाइएगा जी सुबह और मैंने तो मैच है बिग फैन ऑफ बोथ सर फ्रॉम बैंगलोर लॉस उमर फारूक साहब है बहुत शुक्रिया उमर फारूक साहब थैंक यू जी आपका मैसेज करने का और शुक्रिया लव यू बोध फ्रॉम पंजाब रमेश जंजुआ साहब थैंक यू जी थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया जी आपका तो दोस्तों अभी आपसे इजाजत चाहते हैं बहुत ही तगड़ा और बेहतरीन किस्म का मैच जीता है इंडिया ने और कोई मुकाबला ही नहीं हुआ नंबर वन नंबर टू मैच कुछ भी नजर नहीं आया कि ऐसा मतलब वन साइडेड मैच मतलब हम इंतजार में थे कि ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया चलो न्यूजीलैंड और उसके बाद ये साउथ uh, अफ्रीका so तो वाला किसी मैच में तो कोई इंटरेस्ट हो लेकिन सारे ही, बिल्कुल ही आपके सामने ही है और ये वाला तो सबसे ज्यादा हलवाई प्रूव हुआ आप कि जहमत ही नहीं हुई तो ऑफ टू टीम इंडिया द द द वे दे आर प्लेइंग विराट कोहली इट वाज़ हिज बर्थडे एंड ही इज़ मैन ड्रीम तो जाते like जाते आप लोग ने अगर अभी भी नहीं किया लाइक तो फिर कब करेंगे तो फिर मेरे ख्याल में आपने करना भी नहीं है। नहीं फिर कब करेंगे आप तो फिर, फिर आप, आप रह नहीं देंगे नहीं, फिर कब करेंगे तो अभी ज्यादा चाहते हैं कल इंशाल्लाह आपसे फिर सुबह मुलाकात होगी लव बोले 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 टेक गुड केयर ऑफ योर बुरा बाय बाय सुबह पे ये लंग से चढ़ा है What? जशोद यह सबसे बड़ा